इस वीडियो में हम लिंगलिस्ट के दो फंक्शन क्रिएट एंड डिस्प्ले और ट्रैवर्स फंक्शन को इंप्लीमेंट करेंगे सी के कंपाइलर में। तो सबसे पहले हमने क्या करा, स्ट्रक्चर अपने नोड का, जो लिंगलिस्ट के जो नोड है उसका स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया, स्ट्रक्ट नोड, उसमें दो पार्ट है नोड के। एक पहला पार्ट इंफॉर्मेशन पार्ट, उसको हमने इंटीजर टाइप कर लिया इंट इन्फो, और दूसरा पार्ट है लिंक पार्ट, उसको हमने क्या लिया, स्ट्रक्ट नोड टाइप कर लिया। लिंक पार्ट है तो मीन्स पॉइंटर है, तो उसका टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि वो अपने आप को पॉइंट कर रहा है, इसलिए आपने लिखा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटिंग टू नेक्स्ट। उसके बाद मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है स्टार्ट, उसको लिया है इनिशियली नल। ये जो स्टार्ट पॉइंटर है ये किसको पॉइंट कर रहा है, आपके लिस्ट के पहले नोड को, क्योंकि जब तक लिस्ट क्रिएट नहीं होगी तो स्टार्ट कहाँ पर होगा, नल पर। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमने इसको कहाँ पर रखा है, नल पर। तो अब हम दो फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रिएट एंड ड्राइवर्स। उससे पहले अपना ड्राइवर प्रोग्राम देखते हैं। तो हमने पहले क्या करा, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाया। तो हमने कहा वन पे हम क्रिएट कर रहे हैं, टू पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले। सिंपल एक मैसेज प्रिंट कराया, उसके बाद यूजर से पूछी चॉइस, उसको क्या करना है, क्रिएट करना है या डिस्प्ले करना है। वो चॉइस किस में आई, सी एच में। तो आपको पता है जब भी हम चॉइस बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं तो हम स्विच केस का यूज़ करते हैं। तो ये जो वैल्यू यूजर सी एच में देगा वो स्विच का क्या लगा दी, कंडीशन स्विच सी एच। अगर वन देगा तो केस वन एग्जीक्यूट होगा। केस वन में हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया है, क्रिएट फंक्शन, और केस टू में हमने कौन सा फंक्शन कॉल किया है, ट्रैवर्स और डिस्प्ले फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे क्रिएट फंक्शन की। पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, क्रिएट में मैंने दो पॉइंटर लिए हैं, एक न्यू पॉइंटर और एक करेंट पॉइंटर। इस टाइप के हैं, स्ट्रक्ट नोड टाइप के हैं। तो न्यू पॉइंटर का यूज़ हम करेंगे नए नोड को क्रिएट करने के, जो भी नया नोड है हम किस में क्रिएट करेंगे, न्यू में। और करंट पॉइंटर का हम यूज़ करेंगे, जो भी हमारी लिस्ट क्रिएट होगी उसका जो लास्ट नोड होगा उसको कौन पॉइंट करेगा, करंट पॉइंटर। सबसे पहले हमने यूजर से पूछा कितने नंबर ऑफ नोड्स की लिस्ट आपको क्रिएट करनी है, तो वो इन्फॉर्मेशन किस में ली, एन में। तो अब हम क्या करेंगे, एन टाइम्स नोड क्रिएट करेंगे और उनको आपस में लिंक करेंगे। तो हमने एक वेरिएबल लिया आई, उसको चलाया वन से, आई लेस एन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, एंड आई इक्वल टू वन, आई लेस एन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस। इस लूप के अंदर आपको एन नोड क्रिएट करना है और उनको आपस में लिंक करना है। सबसे पहले हमने क्या करा, दो पॉइंटर लिए, पॉइंटर आपने डिफाइन कर रखे हैं नोड न्यू और वो। न्यू को हमने क्या करा, मैलॉक कराया, यहाँ पे हम नया नोड क्रिएट कर रहे हैं। तो स्ट्रक्ट टाइप कास्ट किया, स्ट्रक्ट नोड स्टार्ट टाइप कास्ट क्यों किया, क्योंकि मैलॉक रिटर्न करता है वॉइड पॉइंटर, और न्यू का टाइप है स्ट्रक्ट नोड स्टार। उतना साइज हमने इसको क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया, साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, जितना नोड का साइज है उतने बाइट का ब्लॉक आपने मैलॉक से क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। उसके बाद आपने इसमें इंफॉर्मेशन इनपुट कराई, प्रिंट एफ एंटर नोड इन्फो, क्योंकि नोड के दो पार्ट हैं, एक इंफॉर्मेशन पार्ट और एक लिंक पार्ट। तो इंफॉर्मेशन पार्ट को आपने इनपुट कराया, टेन एफ परसेंटाइल डी कॉमा एम परसेंट न्यू की इन्फो, न्यू की इन्फो। और उसके बाद उसके जो नेक्स्ट लिंक पार्ट है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट, न्यू का नेक्स्ट आपने कर दिया नल। नोट कर लें, कैपिटल में लिखा जाएगा एन यू एल एल। अब आपका क्या हुआ, एक नोट क्रिएट हो गया। अब इस नोट को आपको क्या करना है, लिस्ट में ऐड करना है। तो ऐड करते वक्त आप क्या चेक करेंगे, क्या आपकी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो ये जो नया नोट है ये पहला नोट बनेगा और यही क्या होगा, लास्ट नोट होगा। और अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी नहीं होगी तो नया नोट लास्ट नोट के बाद ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी कैसे मालूम चलेगी, क्योंकि आपने एक पॉइंटर लिया था, देखो स्टार्टिंग में स्टार्ट, वो किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोट को। अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी होगी तो
तो मीन्स स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, नल होगी। अगर नोड होगा तो स्टार्ट उसको पॉइंट करेगा, अदरवाइज स्टार्ट कहाँ पे होगा, नल पे। आपने चेक करा इस इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, तो क्या करना है, जो फर्स्ट जो ये नया नोड आपने न्यू क्रिएट करा है यही फर्स्ट नोड होगा, स्टार्ट किसको पॉइंट करेगा, न्यू को, और यही लास्ट नोड होगा, लास्ट नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, करंट, करंट भी किसको पॉइंट करेगा, न्यू को। लेकिन अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है, मीन्स उसमें कोई नोड है, तो क्या करना है, एल्स। तो अब लास्ट नोड के ये जो नया नोड है वो किससे जुड़ेगा, लास्ट नोड के नेक्स्ट से। तो लास्ट नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, करंट, तो आपने कहा करंट का नेक्स्ट इक्वल टू न्यू, करंट का नेक्स्ट किससे जुड़ जाएगा, न्यू से, और करंट अब क्योंकि जो नया नोड है वो क्या बन जाएगा, लास्ट नोड बन जाएगा लिस्ट का, तो करंट भी अपडेट होगा, करंट इक्वल टू न्यू हो जाएगा, ठीक है, करंट का नेक्स्ट, क्योंकि अगर लास्ट अगर नोड पहले से है तो लास्ट नोड कहाँ को पॉइंट कर रहा है, करंट, करंट के नेक्स्ट को हमने किससे जोड़ दिया, न्यू से, और करंट को अपडेट कर दिया कहाँ पे, न्यू पे। इस तरह से हमारी क्या होगी, लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। चाहो तो आप ठीक है, आप उसके बाद आपने मैसेज दे दिया लिस्ट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, रन करा के आप देखें तो चाहे तो चेक कर लें। आपका पूछा क्या चेक करना है, क्रिएट, आपने लिखा चॉइस दी वन, एंटर नंबर ऑफ नोड्स इन अ लिस्ट, फॉर एग्जांपल आपने दिया टू, पहले की इन्फॉर्मेशन 11, दूसरे की इन्फॉर्मेशन 22, मैसेज आ गया लिस्ट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि अभी आपने उसको डिस्प्ले नहीं कराया है, ठीक है, जो आपने लिस्ट क्रिएट करी थी। आप कैसे मालूम चलेगा लिस्ट क्रिएट हुई कि नहीं, जब आप लिस्ट को क्या कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे। अब हम डिस्प्ले का फंक्शन लिखते हैं, तो डिस्प्ले कराने के लिए यानी ट्रेवर्स करने के लिए हमने एक पॉइंटर लिया जिससे हम ट्रेवर्स करेंगे, स्ट्रक्ट स्ट्रक्ट नोड पॉइंटिंग टू पी, इस पी की हेल्प से हम ट्रेवर्स करेंगे। ट्रेवर्स मैंने आपको बताया था, ट्रेवर्स कोई भी चीज़ हो का मतलब है टू ट्रेवर्स द एलिमेंट फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, यानी कि जो आपकी फर्स्ट नोड है उसके लेके लास्ट नोड तक की आपके नोड हैं उनकी इंफॉर्मेशन को आप क्या करा लो, प्रिंट करा लो, तो ये क्या होगी इसकी ट्रेवर्सिंग। तो ट्रेवर्सिंग में भी आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि आपकी लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी लिस्ट एम्प्टी है यानी कि स्टार्ट आपका नल पे है तो कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं होगी। तो आपने लिखा प्रिंट एफ एम्प्टी लिस्ट, अदरवाइज एल्स क्या करो, ट्रेवर्स करो, कहाँ से, स्टार्ट से। ट्रेवर्स कैसे कर रहे हैं, पी से, पी को कहाँ पे रखें आप, स्टार्ट पे। कब तक ट्रेवर्स करें, जब तक पी नल नहीं हो जाता यानी कि लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती, पी नॉट इक्वल टू नल, और P को अपडेट कर दें, P को कहाँ पे ले आएँ, P के नेक्स्ट पे। एक एक नोट करके ये P क्या होगा, अपडेट होगा, और आप क्या करें प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा पी, इससे क्या होगा आप अपनी लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकते हैं। रन करा के देखते हैं, स्टार्ट की स्पेलिंग गलत हो गई है, स्टार्ट इक्वल टू नल, पाया मेनू। देखो आपने पहला था क्रिएट, दूसरा था डिस्प्ले, आपने इसको क्रिएट नहीं किया, आप सीधे क्या करने लग गए, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, यानी कि आपकी नोड लिस्ट में कोई नोड नहीं है तो क्या लिख आउटपुट आना चाहिए, एम्प्टी लिस्ट। हमने लिखा टू, क्या आ गया, एम्प्टी लिस्ट। कंटिन्यू करा हमने, फिर से हमारे पास मेनू आया क्रिएट एंड डिस्प्ले, अब आपने लिखा वन, तो एंटर नंबर ऑफ नोड्स आपने दिए थ्री, पहले नोड की इन्फॉर्मेशन 11, दूसरे की 22, तीसरे की 33, तो आ गया लिस्ट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब चेक करते हैं जो लिस्ट हमने क्रिएट करी थी वही डिस्प्ले हो रही है या नहीं, तो हमने
चॉइस डी टू हमारे पास आ गए नोट की इंफॉर्मेशन, पहले नोट की 11, दूसरे की 22 और तीसरे की 33। ये था कैसे हम लिस्ट को क्रिएट करेंगे और कैसे लिस्ट को हम डिस्प्ले कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।